गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चार नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए इनको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, उसमें यौगिक दिया जा रहा है। यौगिक में दिए जा रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इसकी परसेंटेज मात्रा दे रखी है, हमें मूलानुपाती सूत्र की गणना करनी है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, कार्बन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। इनकी परसेंटेज मात्रा लिख लेते हैं। कार्बन की है 24.27, हाइड्रोजन की 4.07 और यहाँ पर है क्लोरीन, ऐसा है क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन दे रखी है। क्लोरीन की मात्रा 71.65%। देखिए अपन का परमाणु भार लिखते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हमें पता है। हाइड्रोजन का एक होता है, क्लोरीन का होता है कितना, 35.5। अब हमें मोलों की आपेक्षिक संख्या निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, इनका कर देते हैं डिवाइडेशन का भाग दे देते हैं। देखिए 24.27 का 12 हम भाग देंगे और 4.07 का भाग देंगे एक से और 71.65 भाग दिया जाएगा 35.5 से। निकल के आ जाएगा भाग देने से 2.02, इसका निकल के आ जाएगा 4.07, इसका निकल के आएगा 2.02। आप लोग भाग दे के देख लेना। तो देखिए सरलतम मोलर अनुपात किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए इसमें से जो भी छोटी संख्या होती है उसको भाग दिया जाता है। जैसे सबसे छोटी संख्या ये है तो 2.02 का भाग किसमें दिया जाएगा, 2.02 में इसी का दिया जाएगा। यहाँ पर 4 है तो देखिए 4.07 का भाग किसमें दिया जाएगा, 2.02 में, और इसका नीचे 2.02 भाग 2.02 भाग देने पे आ जाएगा। एक बार कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा कितने बार, दो बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा एक बार। तो निकल के आ जाएगा हमारा मोल अनुपात, एक निकल के आ जाएगा, दो निकल के आ जाएगा और एक निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है क्या, हमें यौगिक का निकालना है मूलानुपाती सूत्र। तो आप लोग देखिए किस तरीके से निकालते हैं। अब देखना आप लोग, यहाँ पर कार्बन देखिए, कार्बन एक बार आया है तो कार्बन को एक लिख लो। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए दो बार है तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, CH2। और क्लोरीन देखिए एक बार आया है तो क्लोरीन को इस तरीके से लिख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें जैसे मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान की गणना करनी है। जैसे हमें उनकी द्रव्यमान की गणना करनी है, एक प्रकार से कहा जाए कि अणु भार निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, जैसे CH2Cl है तो कल आप लोगों को बताया था। देखिए जैसे इसमें क्या है, देखिए किस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 12 कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 2 गुणे हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन का होता है 35.5 परमाणु भार। निकल के आ जाता है 12 प्लस 2 प्लस 35.5, निकल के आ जाएगा कितना, 49.5। तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए इसका निकल के आ गया मूलानुपाती सूत्र CH2Cl। अगर आप लोग मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान की गणना करने को कह रहा है तो इस तरीके से निकालते हैं, 49.5 निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों को एक और कराएंगे न्यूमेरिकल। तो कल आप लोगों को बास गणित के आधार पर किस तरीके से निकाला जाता है आणविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, उसके बारे में बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।